केंद्र और राज्य सरकारें भले ही विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के माध्यम से गरीबों के हित में काम करने के दावे करें, लेकिन ये दावे हकीकत में खोखले नजर आ रहे हैं। जिला आयुर्वेदिक अस्पताल सोलन में दाखिल विभिन्न बीमारियों के मरीजों को ना तो प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिल रहा है और ना ही विश्व की सबसे बड़ी योजना जन आरोग्य आयुष्मान भारत का लाभ मिल रहा है। जन आरोग्य आयुष्मान योजना विश्व की सबसे बड़ी योजना है जिसका गुणगान हर कहीं हो रहा है। भाजपा सरकार इस योजना के कसीदे पढ़ते नहीं थकती, लेकिन हकीकत यह है कि सोलन के आयुर्वेदिक अस्पताल में इस योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा। साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का भी मरीज लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण यह है कि प्रदेश सरकार ने जो भी योजनाएं चलाई हैं उसके अंतर्गत दवाइयों का खर्चा मरीजों का निःशुल्क रहता है, लेकिन दवा की दुकानों को बजट का प्रावधान नहीं है। और आयुर्वेदिक अस्पताल में दवा देने वाले दवा विक्रेता ने पिछली दवाइयों के करीब 5 लाख न मिलने के चलते सभी योजनाओं के तहत दवाइयां देना बंद कर दिया है। इससे जहां मरीजों को परेशानी हो रही है, वहीं सरकारी योजनाओं की पोल भी खुल रही है। भले ही सरकार दावे करती है, लेकिन हकीकत यह है कि इन योजनाओं के लिए उचित बजट का प्रावधान नहीं है, जिसका प्रमाण इस अस्पताल में दिख रहा है। सिटी चैनल से बात करते हुए आयुर्वेदिक अस्पताल में उपचाराधीन मरीजों और उनके तीमारदारों ने बताया कि वो अपनी विभिन्न बीमारियों का इलाज करवा रहे हैं। मरीजों ने बताया कि बड़ी आस से उन्होंने केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत अपना गोल्डन कार्ड बनाया था, लेकिन इसका लाभ नहीं मिल रहा। उन्होंने बताया कि जब वो योजना के तहत कार्ड के माध्यम से अपनी दवाई लेने जाते हैं तो उन्हें दवाई नहीं दी जाती। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को झूठा दिलासा ना दे, यदि योजनाएं चलानी है तो उसका लाभ भी गरीबों को मिलना चाहिए। मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से हूँ जी, और हमारे को कार्ड से कोई फायदा नहीं हो रहा। हमारा कार्ड नहीं चल रहा जी, मैं यहाँ 3-4 दिन से हूँ, अभी तो कार्ड नहीं चलेंगे कि हमारे को अभी पैसा नहीं मिला पहले वाला जो मिलना चाहिए जी। हमारे को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, दवाइयाँ सब पैसों से ही आ रही। तो इनका इलाज यहाँ पहले भी हुआ था, पहले कार्ड था इनका, तो वो कार्ड कुछ दिन चला और अब एक कार्ड बना है दूसरा वो आयुष्मान वाला, तो उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। वो कार्ड चली नहीं रहा बिल्कुल नहीं को। क्या बोल रहे हैं आपको नीचे से? तो जो कार्ड वो बोल रहे कि जो पिछला है उसका कुछ नहीं हुआ अभी तक, तो इस कार्ड का फायदा क्या फिर ऐसे काम हुआ जी? कार्ड को बनाया वो कार्ड धोखा दे रही है इसमें। तो क्या कार्ड चलना चाहिए, इसी से फायदा है। हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, हम कोई भी दवाई लेनी है कोई भी चीज़ लेनी हो 100 रुपये हमको कुछ नहीं मिलता, तो इस कार्ड का कुछ बेनिफिट होना चाहिए। हाँ, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, कुछ भी नहीं उसका, हमको उपचार दे रहे हैं ये। तो किस लिए मतलब ये बनाया गया वहाँ? यहाँ हॉस्पिटल में आज 10 दिन से मेरी माता जी का इलाज चल रहा है, जिसका हमारे को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। यहाँ ये सरकार ने जो इतना मतलब हम लोगों को गरीब लोगों को उपचार दे के रखा है कि जी स्वास्थ्य कार्ड का लाभ होगा, हमारे को तो किसी चीज़ का बेनिफिट नहीं है। हमारे को हर रोज का 2-2, 3-3 हज़ार रुपये की दवाइयाँ बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं। ये लोगों के पास दवाई लेने जाओ तो ये बोलते हैं कि हमारे को पीछे से क्लेम नहीं मिल रहा है। जब हमारे को क्लेम देगी सरकार, तब हम आगे आपके कार्ड एक्टिवेट करेंगे। कार्ड बनाने के भी 1200 रुपये लिए अभी आयुष्मान के, और हमारे को बेनिफिट कोई नहीं है। सरकार को यही बोलना चाहूंगी, या तो गरीबों को दिलासा ना दे, अगर देते हैं तो पूरा प्लीज इनका ध्यान रखें, ठीक है ना। इस बारे में जब हमने अस्पताल में दवा की दुकान चला रहे SK त्रेहन से बात की तो उन्होंने बताया कि वो इस अस्पताल में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के तहत लोगों को दवाइयां देते थे, लेकिन अब वो नहीं दे रहे, जिसका कारण है कि विभिन्न योजनाओं के तहत उन्हें पिछले कई माह से पेमेंट नहीं मिली है। यहाँ पर दवाइयाँ सप्लाई करते हैं विभिन्न स्कीम के अंडर। RSBY की हमारी 1,42,962 रुपये आउटस्टैंडिंग है, पेमेंट नहीं आई अभी तक गवर्नमेंट से। मुख्यमंत्री की 40,741 रुपये आउटस्टैंडिंग पड़े हैं, ये मार्च के बाद कोई पेमेंट नहीं आई हमें। HP यूनिवर्सल स्कीम के अंडर हमें 3,05,116 रुपये आउटस्टैंडिंग है, ये अभी तक पेमेंट नहीं आई। तो अब हम दवाइयाँ हमने देनी बंद कर दी हैं क्योंकि गवर्नमेंट हमें पैसी पेमेंट आ नहीं रही। 5 लाख हमारी लगभग 5 लाख आउटस्टैंडिंग हो गया टोटल, तो पेमेंट आई तभी हम आगे दे पाएंगे। हमने भी कैसे आगे सप्लाई करनी है जो लोगों का मिलना, अभी पहले मिल रहा था, हमारे पैसा नहीं आ रहा, 5 लाख रुपये आउटस्टैंडिंग हो गया, हम कहाँ से दे पाएंगे? इतना पैसा आएगा तभी दे पाएंगे ना। सिटी चैनल के लिए सोलन से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।